जादुई दर्पण। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही समझदार और जिज्ञासु लड़का था। उसके माता पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन आर्यन का मन हमेशा नई नई चीजों की खोज में लगा रहता था। एक दिन आर्यन अपने घर के पुराने सामानों में कुछ खोज रहा था कि उसे एक पुराना दर्पण मिला। यह दर्पण साधारण नहीं था। उसके किनारों पर सुनहरी नक्काशी की गई थी और उस पर कुछ अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे। आर्यन ने सोचा कि यह कोई पुरानी चीज होगी, लेकिन जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, दर्पण से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। आर्यन चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। जैसे ही उसने दर्पण को करीब से देखा, वह अचानक उस दर्पण के अंदर खींच लिया गया। आर्यन को लगा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। यह दुनिया असली दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ पेड़ बोल सकते थे, जानवर इंसानों की तरह बातें कर सकते थे और चारों ओर जादू ही जादू फैला हुआ था। आर्यन को सामने एक सुंदर सी लड़की दिखी जिसका नाम माया था। माया ने आर्यन का स्वागत किया और बताया कि यह जगह दर्पण लोक है। यह एक जादुई दुनिया है जहां हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन माया ने आर्यन को एक चेतावनी भी दी, यहां सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाई देता है। इस दुनिया का एक अंधेरा पहलू भी है। आर्यन की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह माया के साथ आगे बढ़ने लगा। माया उसे एक जादुई महल में लेकर गई जहां का राजा एक महान जादूगर था। उस राजा का नाम विराज था। राजा विराज ने आर्यन को बताया कि इस दर्पण लोक का अस्तित्व एक महान जादू पर आधारित है। यह जादू एक अद्वितीय जादुई पत्थर से निकलता है जो दर्पण लोक के जीवन को बनाए रखता है। लेकिन समस्या यह थी कि वह जादुई पत्थर अब खतरे में था। दर्पण लोक का एक क्रूर जादूगर जिसका नाम तिमिर था, उस पत्थर को चुराना चाहता था ताकि वह इस दुनिया पर शासन कर सके। तिमिर की योजना थी कि अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो वह दर्पण लोक के साथ साथ असली दुनिया पर भी अपना कब्जा कर लेगा। राजा विराज ने आर्यन से मदद मांगी क्योंकि केवल एक बाहरी व्यक्ति ही इस पत्थर की सुरक्षा कर सकता था। आर्यन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। माया और आर्यन ने मिलकर तिमिर को हराने की योजना बनाई। यात्रा बहुत कठिन थी। उन्हें जंगलों, पहाड़ों और जादुई नदियों को पार करना पड़ा। इस यात्रा के दौरान आर्यन और माया ने कई रोमांचक अनुभव किए। उन्हें जादुई जीवों का सामना करना पड़ा, जिनमें कुछ उनके दोस्त बने तो कुछ दुश्मन। एक दिन जब वे एक गहरे जंगल में थे, उन्हें तिमिर का किला दिखा। वह किला इतना भयानक था कि उसे देखकर ही डर लगता था। लेकिन आर्यन और माया ने अपने डर को काबू में रखा और किले की ओर बढ़ गए। किले में तिमिर और उसकी सेना आर्यन और माया का इंतजार कर रही थी। तिमिर ने अपने जादू से माया को बेहोश कर दिया और आर्यन को चुनौती दी कि अगर वह जादुई पत्थर तक पहुंच सकता है तो वह उसे जीतने देगा। आर्यन ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और तिमिर के सभी जादुई जालों को पार कर लिया। अंततः वह जादुई पत्थर तक पहुंच गया और उसे उठा लिया। तिमिर ने जैसे ही पत्थर को छूने की कोशिश की, पत्थर ने उसकी सारी शक्ति को खत्म कर दिया। तिमिर हार गया और दर्पण लोक फिर से सुरक्षित हो गया। राजा विराज ने आर्यन की बहादुरी की सराहना की और उसे दर्पण लोक का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया। जैसे ही आर्यन ने दर्पण को छुआ, वह फिर से असली दुनिया में लौट आया। लेकिन इस बार वह केवल एक साधारण लड़का नहीं था। उसने एक ऐसी दुनिया देखी थी जो किसी ने नहीं देखी। उसने एक महान साहसिक यात्रा की थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। आर्यन ने समझ लिया था कि सच्ची बहादुरी केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सही और गलत में फर्क करने और सही के लिए खड़े होने में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने मन की सच्चाई और अच्छाई पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।